कहीं एकांत में घूमते हुए अगर आपको कोई विचित्र चीज़ देखने को मिले तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप उसकी तस्वीर लेंगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उसके बारे में लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही हुआ है एक अमेरिका के शख्स के साथ, जो झील के किनारे टहलने गया था और वहां उसे एक विचित्र जीव का कंकाल मिला जो करीब 2 फीट लंबा था। मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इलिनाइस के शिकागो में रहने वाले 55 साल के फ्रीलांस पत्रकार रॉबर्ट लॉयंजल ने हाल ही में मिशिगन झील के पास मॉन्ट्रोस बीच ड्यून्स के करीब एक ऐसी चीज देखी जिससे उनके देखकर होश उड़ गए। रॉबर्ट ने पहली बार ऐसी कोई खौफनाक चीज देखी थी जिसे देखकर वो हैरत में पड़ गए, इसलिए उन्होंने तुरंत जीप की फोटो खींची और उसकी फोटो आई नेचर लिस्ट ऐप पर डाल दी। साथ में फेसबुक पर भी उन्होंने फोटो को शेयर किया। रिपोर्ट के मुताबिक कंकाल की लंबाई 2 फीट से ज्यादा थी और वो यू के आकार में बीच पर पड़ा हुआ था। उसकी खोपड़ी इंसान की मुट्ठी से तकरीबन थोड़ी ही बड़ी थी, जबकि कंकाल पर बची कुची थोड़ी बहुत चमड़ी थी जो सुकड़ रही थी और खराब होने लगी थी। आई नेचर लिस्ट ऐप पर लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये एक बारबोट फिश है, जिसे कैटफिश या ईल का क्रॉस माना जाता है। ये वो मछली है जो ब्रिटेन में विलुप्त हो चुकी है और आखिरी बार ब्रिटेन के पानी में 1969 में देखी गई थी। अमेरिका में ये मछली दिखना भी लोगों को हैरानी में डाल रहा है। हालांकि लोगों ने दावा किया है कि उस दौरान लेक मिशिगन में उस इलाके के पास ये मछली नहीं देखी गई थी, ये वहां से 80 मील दूर अमेरिका के दूसरे राज्यों में देखी गई थी।